हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं बताने आया हूँ कि जो बिहार में 11th में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ लिस्ट आने वाली थी वो फाइनली आ चुकी है। तो कट ऑफ लिस्ट किस तरह से आप देखिएगा, ऑल ओवर बिहार का अदर डिस्ट्रिक्ट का, मतलब पटना हो गया, गया हो गया, टोटल भी बताऊंगा मैं। और साथ ही इंटीमेशन लेटर को किस तरह से डाउनलोड करना है मैं उसे भी बताऊँगा। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपने फॉर्म फिल किया था। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं कि कहां से आपको आप अपना मेरिट लिस्ट, जो कट ऑफ लिस्ट आया है वो दे सकते हैं, साथ ही इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आइएगा आप, सबसे नीचे ही आते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, ये 5 को अपडेट किया गया है, जो इंटरमीडिएट है देख सकते हैं सभी में इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट से रिलेटेड सारी अपडेटेड बातें आ चुकी है। पहला है क्या है कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि जो है इंटरमीडिएट मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के लिए प्रथम चयन सूची मिल जाएगी आपका। नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट मूल्यांकन हेतु प्रथम कट ऑफ सूची, ये पूरा कट ऑफ सूची है, जितना कट ऑफ लाया गया है टोटल बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज टोटल कट ऑफ आपको यहाँ से बताऊँगा। यहाँ है आप शिकायत कर सकते हैं अगर आप किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या किसी का शिकायत कर सकते हैं इंटरमीडिएट या OFSS के वेबसाइट पे। यहाँ पर भी है कि आप यहाँ पर है इंटरमीडिएट मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के लिए प्रथम चयन सूची, यानी प्रथम चयन सूची आप इंटरमीडिएट मूल्यांकन करने में हो रही किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कट ऑफ लिस्ट आया जो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये रहा, मैं उस पर क्लिक कर चुका हूँ, क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से पेज ओपन होगी। यहाँ दोस्तों ये रहा जहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो आप देख सकते हैं बिहार का टोटल जितना 38 डिस्ट्रिक्ट है टोटल का नाम दिया हुआ है। चलिए मैं पटना से बिलोंग करता हूँ तो मैं पटना का देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा पटना, चलिए इसमें से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके बाद इसमें शो को क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको शो पे क्लिक कीजिए। शो पर क्लिक करते ही आप देखिएगा कि कुछ पेज ओपन होगी, ये रहा जो बहुत ही लंबा पेज ओपन होगी, टोटल जो पटना में जो कॉलेज हैं सभी का कट ऑफ लिस्ट दे दिया गया है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो ये वेबसाइट का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप डायरेक्ट वहाँ क्लिक कर अपना इंटीमेशन लेटर और जो कट ऑफ लिस्ट है उसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये है कॉलेज का नाम, ये स्ट्रीम कौन सा मतलब क्या है, साइंस कॉमर्स हो गया, ये कैटेगरी वाइज पूरा है, जनरल का हो गया, SC का हो गया, ST का हो गया, BC का हो गया, टोटल कैटेगरी वाइज ये बटा हुआ है। चलिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स ले लेता हूँ जो आर्ट साइंस एंड है, इसमें है 80 कट ऑफ गया है, किसके लिए, जनरल के लिए। SC के लिए 64.8 गया है, ST के लिए 77.6 गया है, BC के लिए 77.6 गया है, ABC के लिए 73.6 गया है। पास हो गए कैटेगरी उनके लिए जो वोमेन बैकवर्ड WBC के लिए 66.8 गया है। तो इस तरह से आप अपना जो भी कॉलेज है, AN कॉलेज हो गया कि देख सकते हैं, कसेरा हाई स्कूल हो गया, ये सब देख सकते हैं, पूरा पटना का मैंने पटना क्लिक किया तो टोटल पटना का कॉलेज दिखा चुका है। ANS कॉलेज हो गया, बढ़ा हो गया, BD कॉलेज हो गया, BD कॉलेज पटना हो गया। तो इस तरह से पूरा कॉलेज पटना का दिखा चुका है यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में है आप उस डिस्ट्रिक्ट के आप अपना दे सकते हैं कट ऑफ लिस्ट। तो दोस्तों ये थोड़ा कट ऑफ लिस्ट किस तरह से दिखा जाता है, कितना है कैटेगरी वाइज में वो बता दिया हूँ। अब चलिए आपको दिखा देता हूँ कि इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कैसे कीजिएगा। इस फर्स्ट वाले को क्लिक करना होगा, फर्स्ट वाले को क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आप। हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क्लिक करते ही ये इंटीमेशन लेटर का जो पेज है ओपन हो चुकी है। तो मैं इसे ब्लू कर दिखा देता हूँ, ये रहा इंटीमेशन लेटर लिखा हुआ साफ तौर पर, प्रिंट योर इंटीमेशन लेटर फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए आपको इंटीमेशन लेटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है, और जो कॉलेज दिया जाएगा आपको उस कॉलेज में ले जाना होगा इंटीमेशन लेटर को साथ। तो चलिए इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है रूल है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ बारकोड यानी कि रेफरेंस नंबर, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या बारकोड। तो आपने जब फॉर्म फिल किया हो था इसी साइट में, जब आपको 300 रुपीज़ लग रही थी, जब फॉर्म फिल करने के फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक पेज दिया होगा, उस पेज के राइट साइड कॉर्नर पे एक बारकोड दिया होगा या रेफरेंस नंबर, रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर, वही रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर या बारकोड को आपको यहाँ डालना होगा। देन आपने जिस मोबाइल से रजिस्टर किया था वो मोबाइल डालना होगा, उसके बाद ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ डालकर अपना प्रिंट कर लीजिएगा, आपको फाइनली आपका
सक्सेसफुल इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको इसमें इस वीडियो में लाइव इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके दिखा नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जस्ट इसके बाद मेरा वो वीडियो होगा। तो बस मैं आपको इसी तरह से बता दिया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह का अपडेटेड न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।